करते हुए यहाँ आई और यहाँ पर हम सभी कार्यकर्ता बहनों की सभी कार्यकर्ता कोई धनकट्टी से है, कोई कोरिया से है, कोई एनएस से है, परसदा से है, तो सभी बहने अपना सहयोग देने के लिए तत्पर है। और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि सभी श्रद्धालु भाई बहनों के लिए हमारे भंडारे में भोजन की व्यवस्था रखी गई है। तो मैं अपने सभी गोपी बहनों से और सभी माताओं से, क्योंकि हमारी माताएं गृहिणी होती है और घर में चूल्हा चौका का काम पूरा यही संभालती है, तो मैं बहनों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे प्रतिदिन यहाँ सुबह शाम भंडारे में भोजन की व्यवस्था के लिए अपना सहयोग देंगे। और यहाँ जो भी जिसको जैसे काम मन पड़ता है उसको सभी बहने तन मन धन से सहयोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हर्ष का विषय है। क्योंकि ये जो कथा है वो हमारे ग्राम के बीच में हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जितने भी गांव हैं, गांव में कोई नहीं मिलेगा, सब कथा पंडाल में ही मिलेंगे। तो लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। और ये बाबा जी का नमस्कार है हमारे महादेव का, जिनके कृपा से आज शिव महापुराण का आयोजन बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। और श्रद्धालु का कहना था कि नहाने के लिए पानी की व्यवस्था कहाँ की? श्रद्धालु भाई बहनों के लिए पानी का व्यवस्था यहाँ पोलिया है, मेरेसरा है और आपका पोलिया गांव 1-1 किलोमीटर में लगा हुआ है। सभी जगह सोलर पैनल है और कुछ मतलब तालाब के किनारे हैं, तो सभी श्रद्धालु भाई बहनों के लिए, क्योंकि गांव से लगा हुआ है, यदि शहर रहता तो उसके लिए हम अलग से व्यवस्था करते। तो सभी हमारे श्रद्धालु भाई बहन गांव से समीपस्थ तालाब के किनारे अपना नहाने का व्यवस्था है और भोजन शौचालय का व्यवस्था यही किनारे में लगा हुआ है। श्री शिवाय नमस्तु भ्याम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्तु भ्याम। भाई मन हवे सेवादार में जो पूरा जो कथा जब तक कथा पंडा कथा हुई तब तक भैया मन सेवा में लगे रही। श्री शिवाय नमस्तु भ्याम। हर हर महादेव।